हेलो ऑल, होप आप लोग सब अच्छे हैं। सो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शंस। सो अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। तो वी नो दैट इन अ फ्रैक्शन वी हैव अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन आपका अगर फ्रैक्शन पे बेस्ड है तो पहले क्या करना है, आपको एक न्यूमरेटर लेना है, एक डिनोमिनेटर लेना है और फ्रैक्शन को लिखना है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जाने से पहले हम क्या करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डेनोमिनेटर बी वाई एंड द डेनोमिनेटर बी वाई। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. So question kya kehna chahta hai? According to question, what it is given? If we add 1 to the numerator, means, aapka pehle fraction likh lo, x by y. Now if you are adding 1 to the numerator, means it will be x plus 1 and subtract 1 from the denominator, means y minus 1. You are adding 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. So fraction kya ho ja raha hai? The fraction will reduce to 1. Fraction will reduce to 1. Matlab wo fraction 1 ho jayega. Theek hai? Fraction kitna ho gaya? 1. Aap isko cross multiplication karke solve kar do. To niche kuch nahi hai. To matlab kya hai? 1 hai. To ye kitna ho jayega? X plus 1 is equal to y minus 1. Or which implies x minus y. इज इक्वल टू ये वन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 -1 -2। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड में क्या बोलता है, इट बिकम्स 1 बाई टू। मतलब क्या, फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाई टू इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1 बाई टू। तो ऑल्सो क्या बोल रहे है वो, आप पहले फ्रैक्शन लिखो एक्स बाई वाई। अब वो क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1 बाई टू कब होगा, इफ यू ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर आपका ऐसे ही है, खाली हम क्या कर रहे हैं, डेनोमिनेटर में वी हैव टू एड 1। तो अगर आप 1 ऐड करते हो देन द इट विल रिड्यूस टू, फ्रैक्शन विल रिड्यूस टू 1 बाई टू। तो ये 1 बाई टू हो गया। आप अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 और विच इंप्लाइज 2x - y = 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व बोथ द इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को आप लिख दो, x - y = -2 और क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1। तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस। नाउ x - 2x विल बी -x, -y + y कैंसिल्स आउट। अब कितना हो जाएगा, -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3, विच इंप्लाइज x = 3। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ x in equation number 1. So what we get when we put the value of x in equation number 1, it will be 3 - y = -2, which implies -y = -2 - 3 or -y = -5 or which implies y = 5. So we were to find the fraction. So what is the fraction? Hence the fraction is numerator by denominator. So 3 by 5. So this is the answer. So mostly हमने videos में क्या क्या discuss कर लिया, हमने fractions के दो questions हमने discuss कर लिए। तो अभी देखे जाएगा तो fractions के question में कुछ difficulty है नहीं। हम क्या कर रहे हैं, numerator denominator fix कर दे रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, fraction को लिख दे रहे हैं और जैसा questions में conditions दिया हुआ है उसको समझ के हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे solve कर दे रहे हैं। तो फर्दर फ्रैक्शन से क्वेश्चंस लाने की जरूरत नहीं है, मैं अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एक जो बैंक की क्वेश्चन है और एक अपने जो
लाइब्रेरी की क्वेश्चन है, बुक्स लेंडिंग वाली अपने एनसीईआरटी की, तो वो दो क्वेश्चंस लाएंगे, उसमें थोड़ा वो बुक लेंडिंग वाले में थोड़ा हम लोग को सीखने के लिए अच्छा मिलेगा। सो वॉच फॉर द फर्दर वीडियोज़। सो अभी के लिए इतना ही।